दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25x25 का मॉडल। जैसा कि आपने हमारे कमेंट्स किया था, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर मुझे 25x25 का हाउस प्लान चाहिए, तो उन्हीं के कहने पर डिज़ाइन मैंने किया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये पूरा प्लान है इसका, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर मैंने फिलहाल डिज़ाइन नहीं किया है, तो इसी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रंट से आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला है, और अगर हम इसकी टॉप व्यू की बात करें तो ये आपको ऐसा दिखने वाला है और साइड से आपको ऐसा दिखेगा। और ये मैंने कुछ डिज़ाइनिंग किया है और काफ़ी ओपन घर बनाया है, ज़्यादा मैंने यहाँ पर रूम्स भी नहीं दिए, लेकिन घर आपको बहुत ही प्लान बहुत ही आपको बेस्ट लगने वाला है। सिर्फ आप वीडियो को वॉच करते रहें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे मैं सभी वीडियो देख सकें। और तो चलो पूरा डिस्कस करते हैं हम प्लान। हमेशा की तरीके से मैं इसको सबसे पहले ट्रांसपेरेंट करके दिखाना चाहूँगा, जैसा कि मैं आपको हर बार मॉडल को ट्रांसपेरेंट करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा जैसे आप मॉडल ये ट्रांसपेरेंट करते हैं तो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, और दीवालें यहाँ पर जो भी हैं, वॉल्स हैं, वो सारी है ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, और आपको पूरा अंदर से लेकर बाहर तक पूरा मकान दिखने वाला होता है। टॉप की बात करें तो आपको टॉप से ऐसा दिखेगा, फ्रंट से बात करें तो आपको ऐसा दिखने वाला है। इसकी ट्रांसपेरेंसी हम फिर से रिमूव करते हैं, उसको ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आते हैं। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम इसके ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो फ्रंट से ग्राउंड फ्लोर आपको ऐसा दिखेगा। ये आपको जो दिख रहा है ये डिजाइनिंग है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि आधा मैंने इस पोर्शन पर लगाया है, आधा फर्स्ट पर लगाया है, ये पूरा टोटल दिख रहा है। और फिलहाल फ्रंट से आपको ये भी जो व्हाइट कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है, ये भी डिजाइनिंग का पार्ट ही है। और यहाँ से आपको मेन डोर मिलता है, उसके ऊपर एक आपको रोशनदान मिलता है, और ये भी आपको एक राउंडेड भी रोशनदान ही समझिए। आप जैसे एंटर करते हैं तो आप घर में जैसे एंटर करते हैं तो आपका देखिएगा बेहतरीन से दो बेडरूम मिलते हैं, एक ये बेडरूम है आपका और एक इस कॉर्नर पर इस कॉर्नर, और बीच में जो आपको दिख रहा है ये आपका है किचन। ओके, ये आपका बेडरूम है, ये बेडरूम, बेडरूम के लिए अलग अलग डोर, अलग अलग विंडो, और इस रूम के लिए भी अलग अलग विंडो और डोर दिया है मैंने। और साथ साथ ये आपका जो बीच में दिख रहा है ये आपका है किचन का पोर्शन। और अगर आप बात करें लेटरिंग एंड बाथरूम की तो ये आपको लेटरिंग एंड बाथरूम दिख रहा होगा यहाँ कॉर्नर पे, और अगर आप चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने इस स्टेयर्स जीने के नीचे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल जीने के नीचे वो सारी चीज़ें नहीं एडजस्ट हो पाती, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर इसको दे रखा है और आपको ओपन घर दिया है। 25x25 काफ़ी बड़ा स्पेस होता है फिलहाल चौड़ाई की अगर हम बात करें आज के युग में तो, लेकिन अगर आपको इनका पूरा डिस्क्रिप्शन जानना है कि इन रूम का साइज़ कितना है, किचन का साइज़ कितना है, लेटरिंग बाथरूम का साइज़ कितना है, सभी का अगर आपको साइज़ जानना है तो हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करें जिसका नाम है smallhouseplan.com। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका 2D मॉडल भी देखने को मिल जाता है हर एक फ्लोर का, और 3D मॉडल भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक रूम की कितनी लंबाई चौड़ाई है। और जो भी आपको स्पेस है यहाँ पर मैंने सारा मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पर विजिट करें तो आपको पता भी चल जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यहाँ एक बार ज़रूर विजिट करें। तो ये तो हो गया ग्राउंड फ्लोर। फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, दो बेडरूम है आपका, लेटरिंग बाथरूम किचन सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अब अगर हम बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की तो फर्स्ट फ्लोर आपको फ्रंट से ऐसा दिखने वाला है, ये डिजाइनिंग का पार्ट है जो मैंने आपको बताया है। और जैसे आप स्टेयर से ऊपर आएंगे ना तो बिल्कुल सेम टू सेम वही बेडरूम दोनों फिर से पीछे मिलेंगे, और आपको अगर आप चाहें तो बीच में इस वाले स्पेस को अगर आप यहाँ किचन नहीं देना चाहते हैं इसमें तो आप रूम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, एक सिंगल मतलब दो रूम बना दें, और अगर आप चाहते हैं किचन रखना तो ऐसे ही रखने दें। फिलहाल मैंने यहाँ पर लेटरिन नहीं दिया है, यहाँ पर ये ओपन एरिया है तो यहाँ पर आप सोफा या अपना एक डाइनिंग टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ओपन स्पेस होगा, और यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाएगा क्योंकि यहाँ से स्टेयर से आएगी तो फिलहाल ज़्यादा स्पेस नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा स्पेस होगा। और ये आपका फ्रंट से डिजाइनिंग मैंने दे रखा है, और ये विंडो मैंने यहाँ पर इस बार लास्ट फ्लोर पर बात करें अगर हम तो ये वाला पोर्शन मैंने ओपन रखा है जिसमें वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर तरीके से हवा जाती रहे। और लास्ट वाला फ्लोर फिलहाल कुछ नहीं, मैंने छत बना दिया है और रेलिंग बना दिया है आसपास जिससे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये पूरा मॉडल था जो मैंने डिस्कस किया आपको 25x25 का। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर मुझे 25x25 का मॉडल चाहिए, तो उन्हीं के कहने पर मैंने डिज़ाइन किया। अगर आपका भी कोई रिक्वायर्ड मॉडल है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मॉडल डिज़ाइन किया जाए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सॉरी इसलिए बोलना चाहता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं और मैं रैंडम मॉडल किसी का चूज़ करता हूँ, तो आपको ऐसा कुछ
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आपका डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स दोस्तों बहुत सारे आ जाते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं अगर मैं हर एक का मॉडल डिज़ाइन कर पाऊँ। लेकिन मैं किसी न किसी एक का ज़रूर डिज़ाइन करता हूँ, और अगर जिसका नहीं हो पा रहा उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके बता दें। आपको मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी इसको शेयर कर दें, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मोर डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।